डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिररर ओके तो कॉन्केव मिररर है यहाँ पर तो उसको बस डिफाइन करना है हमको टू डू दैट यहाँ पे कॉन्केव मिररर का मैंने ये लिया है एक डायग्राम लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसका डेफिनेशन पूछ रहे हैं वो फोकस का है ना ये फोकस का अब फोकस का डेफिनेशन देने के लिए हम इजली दे सकते हैं लेकिन पहले समझ के लेते हैं इसके लिए पहले हमको कौन सी लाइन्स को लेना पड़ेगा ये डेफिनेशन देने के लिए फोकस का कौन सी लाइन्स ये ये लाइन्स को क्या बोलते हैं वी कॉल दम पैरल लाइन्स है ना मतलब इनकमिंग लाइट कैसा चाहिए पैरेलल उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है ये जो पॉइंट्स हैं वॉट इज़ हैपनिंग एट दोज पॉइंट्स रिफ्लेक्शन मतलब हमको बोलना पड़ेगा कि पैरेलल रेज आएंगे फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा राइट ये हमारा पहला हो गया ये फर्स्ट है ना पैरल फिर रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्शन के बाद ये एक जगह पे सब रेज आ रहे हैं राइट ऑल ऑफ द रेज आर कमिंग टू वन पोजीशन एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं थर्ड कॉन्वर्जेंस है ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग वी कॉल इट कॉन्वर्जेंस अगर एक ही जगह पे सभी रेज आ रहे हैं तो वी इसको कॉन्वर्जेंस बोलते हैं तो बस अपने डेफिनेशन में तीन चीजें ऐड कर लेंगे कि आने वाले रेज पैरल चाहिए फिर रिफ्लेक्शन होगा और जहां पर वो कॉन्वर्ज करेंगे उसी को हम फोकस बोलेंगे राइट फोकस इसको बोलेंगे इनकमिंग रेज आर पैरल रिफ्लेक्शन होगा और उनका कॉन्वर्जेंस होगा इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में हम लोग ऐड कर लेते हैं द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट वेर पैरल रेज ऑफ लाइट पहला पॉइंट इंक्लूड कर लिया मैंने

So, uh, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब कॉन्वर्ज का पॉइंट आप, आपको पहले लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं वेयर पैरल रेज ऑफ लाइट कॉन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा भी चलेगा uh, या फिर ऐसा भी ये भी चलता है जैसे लिखा है where parallel after reflection converge. ठीक है सो so, ये तीन पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं डेफिनेशन में पैरेलल होना चाहिए रिफ्लेक्शन एक होना चाहिए कॉन्वर्जेंस एक होना चाहिए